इसीलिए मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी, अपनी चने की सब्ज़ी बन रही है। तो मैंने चने को ना रात के भीगने के लिए डाल दिए थे, तो रात भर भीग चुके थे वो, तो सुबह मैं फिर इसकी मैंने कहा सब्ज़ी बना लेती हूँ। आलू और चने दोनों मैंने उबाल लिए थे पहले, वो तो उन दोनों को उबाल के मैंने रख लिया एक तरफ़ा। तो मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल डाल दिया है, हींग जीरा डाल दिया है, वही सिंपल सी रेसिपी है। इसमें मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्च, इसके बाद जाएगा हमारा इसमें, तो इसके बाद फिर मुझे इसमें डालनी है प्याज। ये मैंने बारीक प्याज चॉपर में चॉप कर ली हैं, तो पहले प्याज डाल देंगे, प्याज को भून लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ आजकल, मैंने कहा सुबह मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल वगैरह ऑफ़ हैं, कॉलेज वगैरह इन दोनों के ऑफ़ हैं, घर पे ही हैं दोनों, तो इसीलिए पहले मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर बाहर का सामान कुछ भी है आप, वो मेरे से ज़्यादा सही नहीं लगता, कुछ भी है घर पर ही बनाती हूँ मैं। अगर आप कुछ भी बना लीजिए तो घर का ही हो वो मुझे सही लगता है। तो देखिए सब बात करते करते मैंने इसके बाद इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, और टमाटर के बाद मैं डाल रही हूँ अपने मिर्च मसाले, वही नॉर्मल जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ अपने लिए, वही मैं मिर्च मसाले डाल रही हूँ इसमें। हल्दी, नमक मिर्च, ये नमक मिर्च, धनिया पाउडर और किचन किंग वगैरह, छोले वगैरह में तो मैं बहुत ज़रूरी डालती हूँ, तो ये मेरा गया इसमें किचन किंग। और बस इसको अच्छे से पका के यहाँ पे तैयार कर लेंगे अपनी। और नमक डाल लिया है मैंने इसमें, कुछ नमक मैंने उबालते टाइम भी डाल लिया था। और बस इसके अंदर जो हमारे उबले हुए चने वगैरह हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस इसमें मैं दो सीटियां लगवाऊंगी क्योंकि पहले ही तो इन सब चीज़ों को सारे मसाले में यहाँ पे पहले भून लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया इसमें यहीं पे, और अच्छे से जब तक इसका ऑयल बिल्कुल अलग नहीं हो जाता, इसका अच्छे से पेस्ट नहीं बन जाता, तब तक मैं मसाले को भूनती हूँ। ऊपर से मैंने ये डाल दी है अपने यहाँ पे इसमें, और सब्ज़ी कुछ मेरी ऐसी बनी थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी हालाँकि, तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको, सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो चुकी है। ऊपर से मैंने इसमें धनिया पाउडर, धनिया डाल दिया है, धनिया पाउडर नहीं सॉरी, तो धनिया डाल दिया है। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। आज पहले सुबह कपड़े भी बहुत सारे धुले थे, तो मैं पहले ना फ्रिज को खाली कर देती हूँ। अब जो इसके सामान, जो सामान इसके अंदर है पहले वो बाहर निकाल के रख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो पहले सारा सामान खाली करेंगे, क्योंकि एक बार नहीं इसको खाली कर लें तो सही रहता है। हालांकि देखो मेरा जो भी सामान है वो आपको साफ़ मिलेगा, फ्रिज भी मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, और जो इसके ये कवर हैं यहाँ पे जो, ये इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, ऊपर ले जाऊँगी इनको, तो ऊपर करूँगी। और फ्रिज का जितना सामान पॉसिबल होता है ये निकाल के, तो मैं इनको ना यहाँ साफ़ कर देती हूँ पहले, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ पहले, तो सबको अलग कर लेते हैं, निकाल के एक तरफ रख लेंगे, फिर इनको धो के अलग रख देंगे हम साफ़ करके, क्लीन करके, जब ये सूख जाएंगे फिर मैं इसमें लगा दूंगी। तो जो इसके अंदर ये रख के स्टैंड लगे होते हैं फ्रिज के अंदर, मैं ये भी निकालने वाली थी। ये होते हैं थोड़े, देखो वैसे होते हैं ना थोड़े से नाजुक से, तो फिर वाणी बोली कि मम्मा इनको यहीं पर ही साफ़ कर देना, कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर बाहर निकाल के ये इनका टूटने का बहुत वो रहता है, अगर टूट जाए फिर ये मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इनका, तो इसीलिए मैंने फिर मैंने कहा यहीं पे मैं डाल देती हूँ। तो ये जो मेरे पास है ना स्प्रे बॉटल है, तो इसमें मैंने क्या डाल रखा है, इसमें मैंने विम जेल लिया है और विनेगर लिया है, बस दो ही चीज़ें हैं। इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, अगर आप कुछ क्लीन भी कर रहे हो, कोई भी सामान है आपका, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है वो, मतलब उसके ऊपर अगर कुछ गंदगी भी लगी है तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बना के मैं रखती हूँ किचन में। इससे मैंने अपनी गैस का जो मेरा चूल्हा है मैं वो भी इससे साफ़ कर लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और खुशबू भी इसमें से अच्छी आती है। तो मैं सब जगह ना डाल के पहले छोड़ दूंगी इसको, ताकि इसके बीच में मैं कुछ अपना और काम कर लूँगी, जो वो बर्तन वगैरह जो अंदर से ये निकले हैं इसके स्टैंड वगैरह उनको साफ़ कर दूंगी, जाली वगैरह को। और आज मैंने देखी ये वाली बेडशीट है ना, ये वाली डाल दी है, बहुत अच्छी लग रही है, रेड कलर है इसका, इसमें बीच में येलो ऑरेंज है, मतलब कुछ मल्टी जैसे हैं इसमें, तो ये वाली मैंने बेडशीट बिछाई है यहाँ पे आज, अच्छी लगी मुझे। वेलकम चैनल। पूरा दिन काम करते करते मुझे हो गया है, मेरा रोज का एक ही काम रहता है, मैं एक ही बात बोलती हूँ आप लोगों से कि मुझे पूरा दिन हो गया। अभी मैं सच सीरियसली बताऊँ, 4 बजे का टाइम होगा, तो मैं अभी नहा के जस्ट आई हूँ, क्योंकि आज ना पानी ख़त्म हो गया था, लाइट चली गई थी, मतलब पानी तो आ गया था लाइट नहीं थी, तो उसके चक्कर में मुझे बहुत लेट हो गया। और अभी मैं जाके पहले चाय बनाऊँगी, कुछ खा लूँगी, आधे के लिए दूध बनाना है मुझे, तो मैंने हल्का सा काजल लगा लिया, क्योंकि फेस बिल्कुल डल डल लग रहा था मेरा, सुबह से मैं नहाई भी नहीं थी, अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है कि बिना नहाए तो कुछ होता नहीं है। नहा लेती मैं 12 बजे करीब ही, लेकिन एक तो कोई आ गया था, फिर ऊपर से लाइट गुल हो गई, और उसके बाद पानी भी नहीं था, तो ये 2-3 ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो इसके चक्कर में मैं नहा नहीं पाई थी।
और अभी मैं जाती हूँ किचन में सीधा और ब्लॉग देखती हूँ उसके लिए पहले किचन में, और किचन में जाके बना लेती हूँ खाना। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।